बीजेपी की चुनावी जनसभाएं होती हैं, उनके पास कुछ नहीं है बोलने के लिए, तो क्या बोलते हैं? हमने कानून व्यवस्था को बेहतरीन बनाने के लिए हमने इतने मुसलमानों के खिलाफ हमने कार्रवाई की, लेकिन कभी उनको जो गैर मुस्लिम माफिया हैं वो उनको नजर नहीं आते? नेपाल के बॉर्डर पर देवी पाठन में भरे पड़े हैं माफिया, क्या उनको नजर नहीं आते? उनके खिलाफ वो कार्रवाई नहीं करते हैं, लेकिन उनको कौन नजर आते हैं? केवल मुस्लिम समाज के लोग, वीकर सेक्शन के लोग, ये इनको नजर आते हैं, ये इनको अपराधी नजर आते हैं। लेकिन उनको ये मालूम होना चाहिए, यदि अपराध किसी एक व्यक्ति ने किया है उसकी सजा पूरे समाज को नहीं देंगे। यदि एक व्यक्ति खराब है आप पूरे मुस्लिम समाज को शक की नज़र से देखेंगे, ये ठीक नहीं है। आप लोगों को मालूम है कि जब चार बार मेरे नेतृत्व में सरकार बनी तो समाज का कोई भी वर्ग का आदमी हो, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है या अन्य किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, धर्म का हो, तो हमारी सरकार ने सबको न्याय दिया है। किसी के साथ पक्षपात वाला वातावरण, हमने भेदभाव वाला वातावरण पैदा नहीं किया। उनका हमने सबका, सभी जाति सभी धर्म के लोगों का हमने एक समान ध्यान रखा है सभी मामलों में। ये और इतना ही नहीं, यही खराब स्थिति इस बार हमें अपर कास्ट समाज में से विशेषकर ब्राह्मण समाज की भी देखने के लिए मिल रही है। इसलिए ऐसी बीजेपी की सरकार को व इनके मुख्यमंत्री योगी जी को भी आप लोग इस बार चुनाव में इन सबकी सजा इनको सत्ता से बाहर करके जरूर देंगे। इनको सत्ता से बाहर करके आप लोग जरूर देंगे, और जहां अपनी पार्टी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार जरूर बनाएंगे। वैसे